नमस्कार, मैं बनवारीलाल कुशवाहा और आप देख रहे हैं C20 न्यूज। देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। फिरोजाबाद जिले के शुकवाबाद हाईवे रोड स्थित लॉर्ड कृष्णा हॉस्पिटल में गुरुवार को आगरा के प्रसिद्ध डॉक्टर ईशान यादव द्वारा निशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। अध्यक्षता हॉस्पिटल संचालक सुशील यादव ने की। इस शिविर में आगरा के प्रसिद्ध डॉक्टर ईशान यादव ने अपनी टीम के साथ कई लोगों की नेत्र जांच की। इस अवसर पर हॉस्पिटल संचालक सुशील यादव ने कहा कि जो भी मोतियाबिंदु मरीज पाए जाते हैं तो उनका ऑपरेशन रियायती दरों पर किए जाएंगे। इस दौरान डॉक्टर ईशान यादव ने बताया कि नेत्र हमारे शरीर का महत्वपूर्ण अंग है, इसलिए हमें उनकी देखभाल में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए और समय समय पर इनकी जाँच करवाते रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि दिन प्रतिदिन नेत्रों से संबंधित कई बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं, लेकिन लोग अपने कामकाज में इस प्रकार डूबे हुए हैं कि इसकी ओर कोई विशेष ध्यान नहीं देते हैं, जिससे नेत्र रोग बढ़ते जा रहे हैं और लोग अंधेपन का शिकार बन जाते हैं। यदि समय पर उपचार किया जाए तो अंधे पानी से बचाया जा सकता है, इसलिए नेत्र जाँच शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें अब तक 600 से ज़्यादा लोगों को परामर्श दिया जा चुका है। इस अवसर पर मैनेजर सुशील राव, लविस शर्मा, अमन ठाकुर, अर्जुन यादव, असलेखा, नीतू सिंह, मनोज कुमार, मोनू यादव, रविंद्र कुमार, सत्येंद्र, आकाश के अलावा समस्त स्टाफ मौजूद रहा। तो देखते रहिए C20 न्यूज़। किस तरह का कैंप लगाया गया आज हम लोगों ने लॉर्ड कृष्णा हॉस्पिटल के शुकवाबाद से, यहाँ पे हम लोगों ने नेत्र रोग का एक कैंप लगाया। ये हम लोग हर साल यहाँ पर कैंप लगाते हैं, उसी कड़ी में ये इस साल का पहला कैंप था। हम लोगों ने करीब करीब 450 पेशेंट जो रजिस्टर्ड थे वो देखे, उसमें से करीब 100 से ज़्यादा मोतियाबिंद ऑपरेशन निकाले गए हैं। आज के मरीजों को निःशुल्क दवा हम लोगों ने बांटी, निःशुल्क चश्मे का जाँच की गई। जो मरीज अभी हम लोगों ने ऑपरेशन में ये निकाले उनकी भी निःशुल्क और कम से कम रियायती दरों में ऑपरेशन और अन्य ट्रीटमेंट की व्यवस्था करने का प्रयास किया।